बेरहमी से पाकिस्तान की जेल में हो रही भारतीय कैदियों की मौत। सजा काटने के बाद भी भारतीय कैदी पड़े हैं पाकिस्तान की जेल में। भारत ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, एक भी मौत अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, भारतवासियों के साथ जिस तरीके का बर्ताव पाकिस्तान कर रहा है, उसको देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा ही पड़ोसी देश है जो कि हमारे साथ और हमारे लोगों के साथ इस तरीके का बर्ताव कर सकता है। ये खबर सुनने के बाद आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। जिस तरीके का काम पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, उसको सुनने के बाद दुनिया का हर एक देश पाकिस्तान की नीच हरकत को देख रहा है। और इस पर भारत ने पाकिस्तान को बहुत समझाने की कोशिश पहले भी की है, लेकिन पाकिस्तान है कि जो समझने का नाम नहीं ले रहा है। बेरहमी से भारतीय कैदियों को पाकिस्तान में मारा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस समय पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके का काम किया जा रहा है, उसको देखकर आपको भी पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय मछुआरे समुन्द्र में रास्ता भटक कर पाकिस्तान चले जाते हैं, उन मछुआरों को पकड़कर पाकिस्तान अपनी जेल में डाल देता है और फिर उसको टॉर्चर करता है, जिसकी वजह से उनकी पाकिस्तान जेल में ही मौत हो जाती है, जिसको लेकर भारत ने कई बार पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस चीज को बड़े हल्के में लिया जाता है। लेकिन अब भारत ने जिस तरीके का रवैया अपनाने का फैसला किया है, वह पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा देगा। अभी हाल ही में ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ता हुआ चला जा रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय मछुआरों और भारतीय कैदियों को पाकिस्तान की जेल में मारा जा रहा है, उसको लेकर भारत ने अब कड़ा रुख अपना लिया है। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर उन लोगों की सजा पूरी होने के बाद भी पाकिस्तान उन्हें रिहा नहीं करता है और बेरहमी से टॉर्चर करके पाकिस्तान के जेल में ही उन्हें मार दिया जाता है। पाकिस्तान की इस हरकत को आप देखकर क्या कहना चाहेंगे? क्या पाकिस्तान कभी बाज आएगा या फिर नहीं? अब अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुँच सके। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से अक्सर कुछ न कुछ ऐसा कर दिया जाता है जिससे भारत का मूड खराब हो जाता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जिसको सुनने के बाद भारत को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया है। और जब ये खबर आपको सुनाई देगी तो आपको भी काफी ज्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि जो भारतीय पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, उन जेलों में उन भारतीयों की रहस्यमयी तरीके से मौत की खबरें सामने आई है। और उन कैदियों में ज्यादातर भारतीय मछुआरे थे जो गलती से पाकिस्तान की तरफ चले गए थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले 9 महीने में 6 भारतीयों की पाकिस्तान की जेल में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। दोस्तों, जिस तरीके की खबरें पाकिस्तान की तरफ से निकल के आ रही है, उसको सुनने के बाद हर एक भारतवासी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है। और जिस तरीके से भारतीय कैदियों की मौत पाकिस्तान की जेल में हुई है, उसको लेकर भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया भी दे दी गई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन कैदियों की मौत तब हुई जब इनकी सजा पूरी हो चुकी थी और पाकिस्तान को उन्हें जेल से रिहा करना था, लेकिन इस बीच उनकी संदिग्ध तरीके से मौत हो गई। यह हम ऐसा कह दे कि पाकिस्तान ने उन्हें साजिश रच के मार दिया। दोस्तों, जब इन मछुआरों की सजा पूरी हो गई तो पाकिस्तान को इसको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया। पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से इनको अपनी हिरासत में रखा और भारत की तरफ से पाकिस्तान को इसको लेकर काफी ज्यादा अपील भी की गई है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की एक नहीं सुनी और न ही इन मछुआरों को रिहा किया। और पाकिस्तान की ऐसी हरकत पर भारत आग बबला हो गया है। दोस्तों, इसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है और सख्त लहजे में नाराजगी व्यक्त की गई है। और भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जोर देकर कहा गया है कि भारतीय मछुआरे की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की है और वो इससे पीछे नहीं हट सकता, ये पाकिस्तान की नापाक हरकत है। दोस्तों, विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की जेल में भारतीय कैदियों की मौत एक बहुत बड़ा चिंताजनक ट्रेंड है और ये मुद्दा पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने उठाया गया है। और इसके अलावा आपको हम ये भी बताते चले, ऐसा पहली बार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि हमें पहले भी दिखाई दिया है कि पाकिस्तान की कस्टडी में किसी भारतीयों की मौत पहले भी कई बार हो चुकी है। और हमें देखने को मिला था कि इससे पहले भी सजा पूरी होने के बाद भी भारतीय कैदियों को पाकिस्तान ने रिहा नहीं किया था, इसके बजाय पाकिस्तान उन्हें टॉर्चर करता गया और कस्टडी में ही उसकी मौत हो गई। इसके अलावा इस समय चर्चा इस पर भी हो रही है कि पाकिस्तान की जेल में कितने भारतीय कैदी मौजूद हैं। भारत की तरफ से 300 से ज्यादा कैदियों की बात की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भारत की बात को झुठलाया जाता है और पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि सिर्फ भारत के 260 कैदी ही पाकिस्तान में मौजूद हैं। और इस समय ये मामला काफी तेजी से तूल पकड़ता हुआ चला जा रहा है। और आपको याद होगा, इससे पहले भी भारतीय लोग की पाकिस्तान की जेल में रहते हुए मौत हो गई। हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय कैदियों को टॉर्चर किया जाता है, जिसकी वजह से कस्टडी में ही उनकी मौत हो जाती है। वैसे पाकिस्तान की इस गिरी हुई हरकत को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों, दूसरी तरफ से वही खबर निकल के आ रही है जिसमें ये पता चल रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के एक टॉप कमांडर की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। अब्दुल रहमान मुनव्वर नाम का ये तालिबान कमांडर अफगानिस्तान के फरियाब प्रांत की अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी संभालता था।
स्थानीय सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि तालिबान कमांडर के घर जाते असमय अज्ञात हथियारबंद लोगों ने हत्या कर दी। अभी तक हथियारों का सुराग नहीं मिल सका है। हालांकि तालिबान लड़ाकी उनकी तलाश में व्यापक स्तर पर छापेमारी कर रहे हैं। तालिबान के राज्य स्तर के अधिकारी की हत्या को बड़ी घटना माना जा रहा है। इसके पीछे आईएसआई या स्थानीय बाकी गुट को जिम्मेदार बताया जा रहा है। ये भी दावा किया जा रहा है कि इतने बड़े अधिकारी की हत्या अफगानिस्तान में तालिबान की पकड़ पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। फरियाब प्रांत की सूचना और सांस्कृति के कार्यवाहक प्रमुख शमसुल्ला ने बताया है कि घटना फरियाब प्रांत के कैसर जिले के गांव में हुई थी। शमसुल्ला ने बताया कि इस प्रांत में तालिबान के आर्थिक मामलों के प्रमुख अब्दुल रहमान मुनव्वर की अज्ञात हथियारबंद लोगों ने हत्या कर तब उनकी हत्या कर दी गई थी। तालिबान अधिकारी ने यह भी कहा कि हत्या के अपराधी घटनास्थल से भाग गए। अब इस्लामी अमीरात ने अपनी जांच तेज कर हथियारों की तलाश शुरू कर दी है। तालिबान के लड़ाकी उन दो अज्ञात हथियारबंद लोगों की तलाश कर रहे हैं जिन्होंने अब्दुल रहमान मुनव्वर को मार डाला था। तालिबान के सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि अभी तक हत्या के पीछे की मंशा को नहीं समझ सके हैं। अभी तक किसी भी व्यक्ति समूह या संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। तालिबान ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमाया था। उसके बाद से ही अपराध की दर में काफी वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि तालिबान के अधिकारी भी हमलों का शिकार बनने से बच नहीं पा रहे हैं। इससे पहले जून में अफगानिस्तान के नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि NRF ने दावा किया था कि उसने तालिबान के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया था और पंजशीर प्रांत में उनके चार लड़ाकों को पकड़ लिया था। खामा प्रेस के अनुसार कम्युनिकेशन डायरेक्टर और NRF के प्रवक्ता सिबकतुल्ला अहमदी ने पंजशीर प्रांत के अरेजू घाटी में तालिबान के हेलीकॉप्टर को मार गिराने की घटना की खबर की पुष्टि की थी। सिबकतुल्ला अहमदी ने ट्विटर पर बताया था कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के बहादुर बलों ने पंजशीर की अगेरू घाटी में तालिबान के कब्जे वाले हेलीकॉप्टर को मार गिराया। NRF ने अपने दावे के समर्थन में हेलीकॉप्टर की तस्वीर और वीडियो भी जारी किए जो जल्दी इंटरनेट पर वायरल हो गए। तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान की सत्ता आने के बाद से ही हमलों में अचानक वृद्धि हुई है। ISIS ने पिछले एक साल के अंदर राजधानी काबुल में कई बड़े आतंकवादी हमले किए हैं। इसमें मस्जिद, गुरुद्वारा और तालिबान के कार्यालय को निशाना बनाया गया है। इन हमलों में हजारों लोगों की मौत भी हो चुकी है। इनके बावजूद तालिबान का दावा है कि ISIS अफगानिस्तान में काफी कमजोर है। हालांकि इस्लामिक स्टेट खुलकर तालिबान की आलोचना करता है। वैसे इस खबर से आपको कितनी ज्यादा खुशी हुई है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।